आज कुछ बातों पर हम परमेश्वर के वचन में गौर करेंगे। कितने लोग जिंदगी में फलवंत होना चाहते हैं? आप सब लोग फलवंत होना चाहते हो? देखो, हमारी मसीह जिंदगी जो है ना, ये विश्वास की जिंदगी जो है, ये एक सफर है। क्या है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद उसको आशीष दिया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब परमेश्वर की इच्छा क्या थी आदम के लिए? सिर्फ यही नहीं कि वो बढ़े, फलवंत होने की थी, फ्रूटफुल होने की थी, कामयाब होने की थी। परमेश्वर चाहते थे वो कामयाब हो। परमेश्वर चाहते हैं आप लोग कामयाब हो, आपके बच्चे कामयाब हो, आपका परिवार कामयाब हो। परमेश्वर चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में सुख पाओ, उन्नति करो, भरपूरी में चलो। लेकिन वो एक मिनट में नहीं हो जाता, वो उसी दिन नहीं हो जाता जब हमने यीशु को विश्वास किया और अपने नया जन्म पा लिया, चलो कहानी खत्म हो गई। नहीं, वो एक शुरुआत होती है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, मैं सारी आयतें आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की जिंदगी में मौत नहीं थी। मौत गुनाह के कारण आई। परमेश्वर ने जिंदगी बनाई, मौत नहीं बनाई। मौत को इंसान ने चुना था। परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि परमेश्वर कभी मरते नहीं है। और यहां तक कि परमेश्वर ने जब इंसान को यह शरीर दिया, रूह तो कभी नहीं मरता, उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया ऐसे फल का जिससे वो खाकर जिंदगी भर मरे ही ना, वो कभी बीमार हो ही ना, वो हमेशा जिंदगी में तंदुरुस्त बना रहे। आज हम देखते ना आयुर्वेद, नीम का पत्ता खा लो, ये खा लो ये हो जाएगा, लौंग खा लो ऐसा हो जाएगा, इलायची खा लो, फायदे हैं। लेकिन वो जो असली पौधे थे ना, असली फल थे, जो असली ऐसे पत्ते थे जिसको खाके इंसान कभी बीमार नहीं हो सकता था, वो अब नहीं रहे, वो सिर्फ बदन के अंदर थे। कुछ कुछ है हमारे पास, थोड़ा बहुत आयुर्वेद, ज्यादा कुछ नहीं रहा, असली वाला खत्म हो गया। गुनाह के कारण इंसान को उससे दूर होना पड़ा। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। देखो, हमारे पास जिंदगी में करने को कितना कुछ है ना, कितनी चीजें हम अपनी जिंदगी में इंजॉय करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन सब चीजों के बीच में कुछ बातें हमें मना की है। व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, कत्ल मत करना, है ना, कितनी बातें हैं। कुछ बातें हैं प्रभु ने मना की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बाकी करने को कुछ नहीं है। कई बार हम गलत फैसला ले लेते हैं, हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। एक दिन मैं कहीं प्रचार कर रहा था और वहां पर मैं बता रहा था कि कई बार हम सोचते हैं चलो हमने कौन सा व्यभिचार किया, हम गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रार्थना करने के बारे में, सुबह और शाम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के बारे में। तो अगर हम वो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? गुनाह कर रहे हैं। सैमुएल नबी ने पता क्या कहा एक जगह? सैमुएल नबी कहता है मैं कैसे परमेश्वर के खिलाफ गुनाह कर सकता हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके। यानी कि वो कह रहा है अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं गुनाह कर रहा हूं। तो सिर्फ गुनाह ये नहीं है कि जो हमें नहीं करना था हमने नहीं किया, गुनाह ये भी है जो हमें करना है हम नहीं कर रहे। तो यहां पर हम देखते हैं इंसान ने वो किया जो उसे नहीं करना था, फल खा लिया, मौत आ गई। परमेश्वर ने कल हमने क्या सीखा था, सारी दुनिया किससे बनाई है? किससे बनाई है? सूरज कैसे बना? वचन से। चांद कैसे बना? वचन से। दुनिया कहां से निकली? वचन के अंदर से निकली। वचन बोलता गया, वो उसके अंदर से निकलता गया। वचन जन्म देता है, जिंदगी देता है, कुछ रचता है, बनाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है। क्या है? हमारी जुबान। तो यानी कि जब हम बोलते हैं, वो बोलना कुछ हमारी जिंदगी में बना देता है।
परमेश्वर ने कहा आकाश हो, बना कि नहीं बना? पृथ्वी हो, बनी कि नहीं बनी? इन्हों पेड़ पौधे हो, बने कि नहीं बने? क्या किया परमेश्वर ने? बोला। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और फिर बाइबल में लिखा है मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जिसका मतलब है अब मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपनी तरह बनाया था उसके शब्दों में भी ताकत थी। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा। आपकी जिंदगी पढ़ने से नहीं बनती, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से नहीं बनती, यहां कह लो सिर्फ पढ़ने से नहीं बनती, कुछ और भी काम करता है आपके वचन, है ना, आपके मुंह के शब्द। हम ये कहेंगे मेरा कुछ नहीं बनेगा, मेरा कुछ नहीं बनेगा, मेरा कुछ नहीं बनेगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो होगा। परमेश्वर ने भी ये सारी दुनिया अपने शब्दों से बनाई, या अपने शब्द से बनाई, शब्दों से नहीं, शब्द से। वो शब्द है यीशु मसीह जिसने इस सारी दुनिया को बनाया। तो वही शब्द के द्वारा हमने जन्म पाया, उसी शब्द ने हमें जिंदगी दिया, अब उसी शब्द ने हमें काबिलियत दिया बोलने का, और अब हम बोल सकते हैं। और बोलना सिर्फ इसलिए नहीं है ले आओ परौंठे दो खाने हैं, सिर्फ इसलिए नहीं है, बोलना है अपनी जिंदगी में, बोलना है अपने परिवार में, बोलना है अपने बच्चों की जिंदगी में, आपको बोलना है अपने कारोबार में, आपको बोलना है अपनी बीमारी को, आपको बोलना है शैतान को। बोलने के बारे में लिखा है बाइबल में, पढ़ते हैं जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, बीमार आया और क्या कहा उन्होंने, चंगे हो जा। किसी में दुष्टात्मा था, क्या किया, दुष्टात्मा को डांट दिया, निकल जा, निकल गया। तूफान चला, एक दिन किश्ती में जा रहे थे, बहुत तेज तूफान चला, आंधी चली, यीशु मसीह ने क्या कहा तूफान से, थम जा, तूफान थम गया। कैसे किया, शब्दों से। लाजर बीमार होकर मर गया, चार दिन से कब्र में पड़ा है, चौथे दिन कब्र पर गए, चेलों से कहा पत्थर हटाओ, लोगों से कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाया, फिर पता क्या कहते हैं चार दिन के मुर्दा को, लाजर बाहर निकला। अब मुर्दा प्रभु के वचन सुन के बाहर निकल आया। कैसे हुआ, बोलने से हुआ। जब शब्द बोला गया, जब वचन बोला गया, उसने काम किया। आपके वचन, आपके शब्द खाली नहीं जाते, काम करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने बारे में, मैं क्रूस पर जाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? कल मैंने आपने सुना जो यहूदा इस्करियोती प्रभु का चेला था, जिसने प्रभु के नाम से चमत्कार किए थे, उसको अधिकार मिला था, लेकिन वो धोखेबाज भी था, वो वही था जिसने प्रभु को पकड़वाना था, लेकिन उसने तब तक वो काम नहीं किया जब तक प्रभु ने शब्द नहीं बोला। यानी कि एक दुष्ट व्यक्ति ने अपना काम तब शुरू किया जब प्रभु ने उसको करने के लिए बोला, और क्या कहा, जा तू जाकर कर जो तुझे करना है। अब प्रभु के मुंह से शब्द निकला, वो गया प्रभु को पकड़वाने के लिए, और यीशु ने उससे पहले कितनी बार कहा था, मैं मरूंगा तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं मरूंगा तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं मरूंगा तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और जैसे प्रभु ने बोला वैसे ही हुआ, प्रभु मरे और तीसरे दिन जिंदा हो गए। आपके शब्द आपकी जिंदगी के लिए भविष्यवाणी है, प्रोफेसी है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी में प्रोफेसी करो, प्रोफेसी करो, प्रोफेसी करो, प्रभु ने देना होगा जरूर देंगे, लेकिन यह जुबान भविष्यवाणी करने के लिए दी गई है। आप इससे अपनी जिंदगी में भविष्यवाणी करते हो,
आप इससे अपनी जिंदगी में प्रोफेसी करते हो। अब आपको नहीं पता प्रोफेसी क्या करें हम अपने ऊपर, इसीलिए वचन दिया है, ये पढ़ो, ये समझो और अपनी जिंदगी के ऊपर घोषणा करनी शुरू कर दो। आमेन। उत्पत्ति की किताब में जाएंगे पहले अध्याय में, पहली आयत, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखो पवित्र आत्मा मौजूद है या अभिषेक है, अभिषेक था कि नहीं था, दूसरी तरफ से अभिषेक दर्शाता है। पवित्र आत्मा जब आता है अपनी काबिलियत देता है, अपनी कुवत देता है वो करने के लिए जो हमें करना है। पवित्र आत्मा था या नहीं था? पवित्र आत्मा था, अभिषेक था। और तीसरी आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखो पवित्र आत्मा मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है, लेकिन अभी वचन नहीं आया था। अभिषेक है लोगों के पास लेकिन वचन नहीं है, नया जन्म पाया लेकिन वचन नहीं है, वचन की ओर गौर नहीं करते, वचन की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन चर्च में बजने वाले ड्रम के ऊपर जरूर ध्यान है। ड्रम तेज बजेगा तो ताली तेज बजेगी, ड्रम धीरे होगा ताली धीरे हो जाएगी, लेकिन जब वचन की बात आती है बहुत सारे लोग कम गौर करते हैं। देखो होली स्पिरिट मौजूद है लेकिन क्या अभी नहीं निकला था? वचन। अभी वचन बोला नहीं गया था लेकिन जैसे ही कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, क्योंकि वचन रिलीज किया गया। अब हमने नया जन्म पाया होगा, अब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हमने पवित्र आत्मा भी पा लिया, हमने मसा भी पा लिया, लेकिन वचन के बिना काम नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं है आज अपनी जिंदगी में, बहुत सारे विश्वासी लोग कामयाब नहीं है। आपको किसी भी भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु खुद भेज देंगे, भेजना होगा तो। आमेन। पुराने समय में देखो हमने शुरुआत में पढ़ा ना, वो सुनना चाहते थे जो हम सुनते हैं लेकिन ना सुन सके। पुराने नियम में लोग भविष्यवक्ताओं पर निर्भर होते थे, नंबर एक। नंबर दो, वो स्वर्ग दूतों पर निर्भर होते थे। नंबर तीन, वो ख्वाब पर निर्भर होते थे, लेकिन उसमें भी स्वर्ग दूत ही आता था ज्यादातर, क्योंकि उनके पास वचन नहीं था, बाइबल नहीं था। लेकिन आज हमारे पास बाइबल है। आमेन। वो सारे शब्द जो पुराने नियम के भविष्यवाण वक्ताओं को मिले थे, प्लस और भी कितना ज्यादा हमारे पास है। और ये वचन जिंदा है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये वचन की ताकत 2000 साल पहले खत्म हो गई, ये आज भी प्रभावशाली है, आज भी काम करता है, इसीलिए हमें दिया गया है। अब हमें बोलना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता। ये वचन हमें सिखाता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्यों बोलना है। बच्चा होता ना जन्म लेता है, वो बोलना सीखता है। हम ये वचन पढ़ते हैं हमें पता लगता है, ओहो ऐसे नहीं बोलना, किसी को श्राप नहीं देना, आशीष ही देना है। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं आ सकता। तो ये वचन हमें सिखाता है। फिर वचन कहता है जिंदगी और मौत जुबान में। अब यीशु मसीह जो खुद शब्द है, उन्होंने अपने शब्दों का, शब्द ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया चमत्कार करने के लिए। आपकी जिंदगी में भी
चमत्कार होंगे जब आप इस शब्द का अपने शब्दों के द्वारा इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। प्रभु के चेलों ने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहकर यही सीखा। 3.5 साल उन्होंने देखा लाजर को कहा बाहर निकला, शब्द इस्तेमाल किए, घुटनों पे आए थे क्या 2 घंटे दुआ करने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं किया। लाजर बाहर निकला, बाहर आ गया, देख अंधा देखना शुरू हो गया, सुन बहरा सुनना शुरू हो गया, जा अपनी आंखें पानी पर जाकर धोले, जब मिट्टी मलती उसकी आंखों पर, प्रभु ने शब्द बोल दिया था, शब्द के मुताबिक किया, चमत्कार हो गया। खाने को कुछ नहीं बचा, 4,000 पुरुष थे और बहुत सारी स्त्रियां और बच्चे, प्रभु ने कहा जो है ले आओ। उन्होंने जब शब्द के मुताबिक किया, 2 रोटी 5 मछली, जब चेलों ने शब्द को माना, वचन को माना, चमत्कार हुआ, करीब 20,000 लोग उन्होंने खाया और 12 टोकरियां भी बच गई। देखते हो शब्द की कितनी ताकत है, जब हम इसको बोलते हैं, जब हम इस पर विश्वास करते हैं, जब हम इसके मुताबिक करते हैं, चमत्कार हो जाते हैं जिंदगी में। आज मैं यहां पर आपको टेम्पररी चीजें देने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए नहीं खड़ा कि आप सारी जिंदगी मुझ पर निर्भर हो जाओ। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, निर्भर कराते हैं लोगों को अपने ऊपर, जबकि हमारी 5 प्रकार की सेवकाई की जिम्मेवारी है, लोगों को चलना सिखाए, दौड़ना सिखाए, उड़ना सिखाए। मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बता रहा हूं आपकी जिंदगी में, शब्द सीख लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आमेन। वचन जान लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, वचन को जानना है। सब कहे वचन को जानना है। अब वचन को जानने के बाद दूसरा काम क्या करना है, वचन पर विश्वास करना है। तीसरा काम क्या करना है, वचन को मानना है, यानी कि जो वचन कह रहा है वो करना है। चौथा काम क्या करना है, वचन को बोलना है। ये 4 चीजें जरूरी है आपकी जिंदगी में। पहला है वचन सीखो, सीखने के बाद उस पर विश्वास करो, और अब जब विश्वास आ जाएगा अब आप वो करोगे भी जो वचन कहता है। आमेन। बहुत सारे लोग पता क्यों नहीं करते जो बाइबल में लिखा है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? अगर प्रभु कहते ना ये करो, नहीं नहीं प्रभु छोड़ो परा। प्रभु कहते ना देने में, भेंटों में, या भोगे तो दिया जाएगा, हम नहीं करते। क्यों? विश्वास नहीं है। पहला काम है वचन को जानना। बाइबल में पता क्या लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। क्यों नाश हो रहे हैं? प्रार्थना की कमी के कारण नहीं, आराधना के गीतों की कमी के कारण नहीं। बहुत है आराधना के गीत, कई तो बाइबल के अनुसार भी नहीं होते कईयों के शब्द तो। ज्ञान की कमी, वचन नहीं पता, इसीलिए लोग असफल हैं। आपको मालूम है शैतान नहीं चाहता आपको वचन पता लगे। प्रभु ने कहा ना, ये सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं, सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। शैतान नहीं चाहता वचन हमारे दिल में बना रहे, इसीलिए प्रभु ने एक जगह दृष्टांत बताया ना, एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, तो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। कुछ बीज किनारों पे गिरे, और जो किनारों पे बीज गिरे थे उनका क्या हुआ था, किसी को पता है? अब वो मत्ती में लिखा है, लूका रची सुसमाचार में क्या लिखा है, शैतान आया चोरी करके ले गया। क्या किया शैतान ने? वो पता है उसको आपके पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपके पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपके परिवार से कोई समस्या नहीं है, उसको समस्या है वचन से। वो कहता है कि मुझे ये चोरी करना है, और अगर मैंने ये चोरी कर लिया फिर ये कंगाल इंसान है,
फिर ये गिर जाएगा तो फिर उठ नहीं सकता, लेकिन जब उसके अंदर वचन है ना, वो 7 बार भी उसको गिरा दो ना, वो फिर 8वीं बार उठ खड़ा होगा। उसको पता है मैं इनको नाश नहीं कर सकता। जब तक इजरायली लोगों के पास वचन था ना, उनसे कई गुना बड़े दुश्मन उनको हरा नहीं पाए। दाऊद के पास वचन था, क्या था दाऊद के पास? शाऊल के पास हथियार थे, शाऊल के पास तलवार थी, शाऊल के पास बाला था, शाऊल के पास कवच था, शाऊल के पास अनुभव था, लेकिन दाऊद के पास वचन था। और जब शाऊल दे रहा था ना गोलायत को हराने के लिए, 9 फुट 9 इंच लंबा फिलिस्ती, उसने उसको हथियार दे दिए, कहता है ये ले तलवार, कहता मुझे नहीं तलवार चाहिए, ये ले हथियार, कहता मुझे हथियार नहीं चाहिए, मेरे पास वचन है, ये खतना रहित फिलिस्ती परमेश्वर की जीवित सेना को कैसे ललकार सकता है। शाऊल के पास हथियार था, दाऊद के पास वचन था। गोलायत के पास ऊंचा लंबा कटकाठी था, वो शूरवीर था, सूरमा था, योद्धा था, लेकिन दाऊद जिसके पास वचन था उससे ज्यादा खतरनाक था। शैतान पता है आपकी जिंदगी में किस चीज से डरता है? वचन से। एक व्यक्ति जिसके अंदर वचन आ गया, शैतान उससे डरता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह जंगल में गए पवित्र आत्मा की अगुवाई में शैतान के द्वारा परखे जाने के लिए, शैतान आया, कहता है पत्थर को कह रोटी बन जाए, नहीं तो तू मरेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। क्या कहा? लिखा है। दूसरी बार क्या कहता है? छलांग लगा दे। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, तू परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। तीसरी बार कहता है मेरी आराधना कर। तीसरी बार भी यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। और उसे जाना पड़ा। आज लोगों की जिंदगियों को शैतान पता क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जो लिखा है वो उनके अंदर नहीं है, उनके पास वचन नहीं है। आजाद होके चले जाएंगे, अगले हफ्ते फिर दुष्ट आत्मा वापिस आया होगा। प्रॉब्लम यह नहीं है कि दुष्ट आत्मा निकाला नहीं गया था, निकाला गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है निकलने के बाद अंदर वचन नहीं लिया, प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, बाइबल को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, यह प्रॉब्लम थी। शैतान यीशु मसीह को हराने के लिए आया लेकिन हरा नहीं सका, क्योंकि वो खुद शब्द है या वचन है, और उसके पास क्या था? वचन था। और क्या कहा यीशु मसीह ने? लिखा है, लिखा है, लिखा है। सब कहें लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। जब डॉक्टर कहे ना ये बीमारी से तुम चंगे नहीं हो सकते, तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा है ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो आपने भी कहना है मेरी बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से मैंने चंगाई पाई। जब दुनिया बोले ना देख तुझे सबने छोड़ दिया, अब तेरा क्या बनेगा, आपने पता क्या कहना है? मेरी बाइबल में लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं। जब आपको शैतान कहे ना तेरा कुछ नहीं बनेगा, आपने हंसना है, हंसो थोड़ा सा, रोना बंद करो। कई लोगों को मैं देखा है रो रो के दुआएं करेंगे हर समय, हा हा प्रभु, हर बात में प्रभु। आप यीशु मसीह को कॉपी करो, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं आप हमेशा मेरी सुनते हो। आमेन। रोना शैतान को है, आपको नहीं रोना।
जब पौलुस जेल में था ना यीशु मसीह के वचन के कारण, वो वहां क्या कर रहा था? रो रहा था, हाय प्रभु जी बड़े कोड़े मारे आए प्रभु जी, बड़ा कुटिया प्रभु जी, हाय प्रभु हथकड़ियां, पैर हथकड़ियां प्रभु, मैं हिल नहीं सकता, ये कर रहा था वो। जब शैतान आपको पटकने की कोशिश करे ना, निराश मत होना, आनंदित होना, वो करो जो वचन में लिखा है। पौलुस कलीसिया को क्या कह रहा है? आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। जब मुश्किल आती है ना, शैतान कहेगा अब रो, आपने कहा ना ना मैं नहीं रोना, पता क्यों? लिखा है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। जब शैतान कहेगा ना अब डर, अब तेरा क्या होगा कालिया, कहना मैं नहीं डरने लगा, डरना तुझे है, क्योंकि लिखा है मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोल सकता। आए हम एक आयत देखें, पहला योहन्ना 2:14 पढ़े इकट्ठे। हे पितरो, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, यहां गौर करें, हे जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम क्या हो और परमेश्वर का वचन तुम में क्या बना रहता है तुम्हारे अंदर, के बाहर जाके शैतान चोरी कर लेता है। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम ताकतवर पता क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हारे बड़े डील डोल है या तुम्हारे पास बहुत पैसा है या बड़ी जान पहचान है जी, नहीं नहीं, वो असली ताकत नहीं होती, ये है असली ताकत। गुआंडियों को डरा के भजा दिया तो क्या फायदा हुआ, शैतान को भजा के दिखाओ, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, हमारे पड़ोसी नहीं, हमारा समाज नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, शैतान हमारा दुश्मन है। नौजवानों अपनी ताकत गलत जगह वेस्ट ना करो, और वो ताकत काम नहीं आएगी, ये काम आएगी, ये वचन काम आएगा, ये आपको क्या करेगा? ताकतवर बना देगा। कहो मुझे वचन ताकतवर इंसान बना देगा। तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर कैसे जय पाई है? शैतान के ऊपर, वचन के द्वारा। तो आपको वचन पता होना चाहिए, आपके अंदर वचन बना रहना चाहिए, तो आप ताकतवर हो, आप जीत पाओगे। तो पहली बात है, क्या करना है? हमें वचन को जानना है। सब कहे वचन को हमें जानना है। इन्हों कई लोगों की प्रार्थनाएं पता कैसे होती है? प्रभु जी मर्जी होएगी तो चंगा कर दे, और नहीं होएगी तो ना करे। बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में, दुचित्रा व्यक्ति प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। परमेश्वर को चैलेंज करो उनका वचन लेकर। प्रभु आप ही ने तो कहा है, आप ही ने तो कहा है तेरे बच्चे आशीष पाएंगे, आप ही ने तो कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। इंसान के शब्दों पर गौर ना करो, सबसे पहले परमेश्वर के वचन पर गौर करो। आप ही ने तो कहा है, किसने कहा है? बाइबल में लिखा है जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। बने रहना है, विश्वास नहीं छोड़ना। प्रभु पानी पे चलना सिखाते हैं, आपको विश्वास करना होगा। सारा ने अब अपने बुढ़ापे को नहीं देख रही, सारा 90 साल की बुढ़िया अपने बुढ़ापे को नहीं देख रही, वो वचन पे विश्वास कर रही है। अब्राहम 100 साल का वचन पर विश्वास कर रहा है, अपने आप को नहीं देख रहा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा, इतने साल आशीष नहीं मिला, अब कैसे मिलेगी,
क्योंकि प्रभु का वचन था ना उसके पास, नहीं होता अलग बात थी। लेकिन प्रभु ने सीधे उसे बोला था, अब्राहम तेरे से एक वंश पैदा करना है मुझे। एक मकसद था उसको 100 साल की उम्र में बच्चा देने का, एक मकसद था बहुत बड़ा, तो मकसद प्रभु ने पूरा करना था, इसलिए 100 साल की उम्र में उसको दिया। मकसद ना होता तो चाहे ना देते, लेकिन मकसद था इसलिए दिया। और अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, यानी कि वचन पर। किस पर विश्वास किया? मालूम है उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपने देश को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़, पिता के घर को छोड़, और मैं क्या करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा। अब्राहम पता क्यों गया? उसने विश्वास किया। क्या किया उसने? हाँ प्रभु मुझे आशीष देंगे और आशीष का कारण बनाएंगे। तो आपको क्या करना है? वचन सीखना है। सब कहें वचन सीखना है, और फिर वचन पर विश्वास करना है, और तीसरा काम क्या करना है? वचन को मानना है। सब कहें वचन को मानना है। अब यही नहीं कि हमें विश्वास है जी, विश्वास है जी, विश्वास है जी, नहीं नहीं, वो करो भी जो वचन कहता है। एक हाथ से ताड़ी नहीं बजेगी, हमें मालूम है लिखा है, लेकिन अब हम वो करें भी ताकि लिखा हुआ पूरा हो सके। अगर दाऊद गलायत का सामना नहीं करता तो वो राजा कैसे बनता? अब्राहम अगर परमेश्वर के कहे के मुताबिक अपने पिता का घर छोड़ के ना निकलता वो आशीषित कैसे होता? अगर यीशु मसीह के चेले पत्थर को ना हटाते तो लाजर चौथे दिन मुर्दा कैसे होता? अगर चेले 2 रोटी और 5 मछली लेके ना आते तो उस दिन इतना बड़ा चमत्कार कैसे होता? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब विश्वास ही नहीं करना, वचन को मानना भी है। सब कहें वचन को मानना है। इसका मतलब है जो प्रभु कहते हैं करते जाओ। क्या करते जाए? माफ करते जाओ, प्रेम में चलते जाओ, पवित्र जीवन में बढ़ते जाओ, प्रभु की संगति में बने रहो, प्रभु के लोगों की संगति में बने रहो, और बाकी काम परमेश्वर पर छोड़ दो। तुम अपना काम करते जाओ, रिजल्ट परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, रिजल्ट उधर से आएगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारी सहायता पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से है। आपको वचन मानना है। सब कहें मुझे वचन मानना है। और तो पतियों के अधीन रहो, पतियों पत्नी से प्यार करो। नहीं प्रभु आपसे बड़ा प्यार है, वोटी नहीं चंगी लगती है। तुम कैसे कह सकते हो तुम्हें मेरे से प्यार है जब तुम्हें मेरे वचनों से प्यार नहीं है? तो प्यार हमें वचन से है, और वचन ही यीशु मसीह है। जब तुम वो करोगे जो मैं कहता हूं इससे मैं जानूंगा तुम मेरे चेले हो, और अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम वो करोगे जो मैं कहता हूं। तो जो वचन कहता है वो करो और करते जाओ। चौथी बात, वचन बोलो। सब कहें वचन बोलो। प्रार्थना में भी बोल सकते हो, वो प्रार्थना ही एक तरह की। ये मत करो प्रभु आपने मेरे लिए क्या सोच रखा है, गलत। प्रभु मेरा विश्वास है आपने मेरे लिए बहुत कुछ सोचा है, ऐसे किया करो प्रेयर। प्रभु मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रभु चुप रहेंगे, ऐसे नहीं प्रभु हिलेंगे, उनको हिलाना है ना। प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं तुझे पूंछ नहीं मैं तुझे सर बनाऊंगा। तो वचन को प्रार्थना में बोलो, प्रभु धन्यवाद। अपनी प्रार्थनाएं बदलो, सवाल बंद करो, जवाब बोलो। प्रार्थना में क्या बोलना है? जवाब। प्रभु धन्यवाद, आपके मार खाने से मैंने चंगाई पा ली है,
प्रभु धन्यवाद, मेरे घर में कोई घटी ना होगी प्रभु जी। ये ना कहो प्रभु मेरी कमी घटी कदों पूरी होएगी, गलत। धन्यवाद मेरे घर में घटी ना होगी, प्रभु मेरे बच्चे बड़े बिगड़ गए हैं, मेरा दिल बड़ा टोटे टोटे हो गया, ये मत बोलो। प्रभु धन्यवाद, बेशक मैं जब बच्चों को देखती हूं मेरा दिल टूटने को पड़ता है, लेकिन आपने वचन में मुझसे वायदा किया है मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। प्रार्थना में प्रभु से थोड़ा थोड़ा लड़ लिया करो इज्जत के साथ, समझ रहे हो? प्रभु ये को बात हुई, प्रभु आपने तो कहा है, आपने तो बोला है, मुझे चाहिए मेरा हक प्रभु, मुझे विश्वास है आप मुझे मेरा हक दोगे, मुझे विश्वास है आप मुझे आशीष दोगे। जब प्रभु ये देखेंगे ना वो गुस्से नहीं करेंगे, वो खुश हो जाएंगे और कहेंगे ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। आमेन। आपके शब्दों में वजन होना चाहिए जब आप बोलते हो, जब प्रार्थना करते हो शब्दों में वजन होना चाहिए। जब प्रभु ने लाजर को बाहर बुलाया ये नहीं कहा लाजर बाहर निकला, ये नहीं कहा लाजर बाहर निकला। आमेन। दुष्ट आत्मा से कहा निकल जा, निकल गया, निकल जा, ऐसे नहीं जाता। ऐसे तो बिल्ली को भी कहोगे ना तो कहेगी शायद मुझे और पास बुला रहे हैं, बिल्ली को कह रहे चल चल, उसी समय भाग जाएगी। आमेन। तो जब प्रभु का वचन बोलते हो उसके पीछे बोल्डनेस होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं बोल्ड प्रार्थनाएं होनी चाहिए। प्रार्थनाओं में वचन बोलो, प्रभु धन्यवाद मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, धन्यवाद मैं ना डरूंगा लेकिन परमेश्वर आप पर भरोसा करूंगा, धन्यवाद शैतान झूठा है वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यर्मिया 29:11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो मैं, हम कहते हैं ना प्रभु तू ही साडे लिए कोई सोचदे ही नहीं, साडी मां नहीं सोचदी, साडा बाप नहीं सोचदा, हो सकता वो सोचते हो ना सोचते हो लेकिन प्रभु सोचते हैं। वे हानि की, प्रभु ने आपके लिए नुकसान नहीं सोचा, दुख नहीं सोचा, दर्द नहीं सोचा, परेशानी नहीं सोची, घटी नहीं सोची, हानि की नहीं कुशल की है। और आखिर में क्या लिखा है, अंत में कब करूंगा, वो अंत एक दिन बाद भी हो सकता है, वो 5 दिन बाद भी हो सकता है, वो 1 साल में भी हो सकता है, वो 2 साल में भी हो सकता है, लेकिन आपकी आशा पूरी होगी। जो आप प्रभु से चाहते हो ना, चाहते हो कुछ प्रभु से, वो पूरी करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी आशा, तुम्हारी आशा, तुम्हारी चाहत, तुम जो जिंदगी में देखना चाहते हो ना अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी सेवा के लिए, पूरी करूंगा मैं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मैं क्यों डरा? आमेन। तो मैं क्यों डरा? प्रभु कहते हैं मैं उसे पूरी करूंगा। तो अब जब प्रभु ने कहा है तो अब हमें वचन बोलना है, प्रभु धन्यवाद आप मेरी हर चाहत को पूरा करोगे, लेकिन अपने तरीके से। कैसे करेंगे? अपने तरीका उनका है, रिजल्ट वो देंगे लेकिन आपके तरीके से नहीं। कई बार हम सोचते ना मैं ऐसे 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 करके पहुंच जाऊंगा, प्रभु नहीं 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 ऐसे नहीं। जब यूसुफ को ड्रीम दिखाया था ना प्रभु ने, क्या ड्रीम दिखाया था? तेरे पिता का घराना क्या कर रहा है, उसके सामने झुक रहा है। हो सकता है यूसुफ सोच रहा हो अच्छा इसका मतलब है कि मैं, मेरा बाप ने मुझे कोर्ट दिया तो वो शायद मुझे सारी जायदाद मुझे दे देगा या पता नहीं क्या करेगा या पता नहीं क्या, ये ना हो सकता है वो आइडिया सोच रहा हो।
और उल्टा हुआ जैसे वो सोच रहा था। कभी उसने सोचा होगा मेरे भाई मुझे बेच डालेंगे, उसने कभी सोचा होगा मैं गुलाम बनूंगा, उसने कभी सोचा होगा झूठा इल्जाम मेरे पर लगेगा, जेल में जाना पड़ेगा। रास्ते को प्रभु के हाथ में छोड़ दो और रिजल्ट को थामे रहो, मेरी आशा पूरी होगी। सब कहें मेरी आशा पूरी होगी, मेरी चाहत पूरी होगी। लेकिन रास्ता प्रभु के हाथ में दे दो, वो आपको नहीं पता क्या है। तो अगर आपको ऊपर जाना है, जरूरी नहीं ऊपर का रास्ता ऊपर होता है, ऊपर का रास्ता कई बार नीचे की ओर होता है। यूसुफ के लिए नीचे की तरफ से सीधा ऊपर का रास्ता था। जेल में सोच रहा होगा प्रभु ने कहा था, पर कैसे होगा, मे भी एक दिन मैं पता नहीं क्या करूंगा, मैं जेल से बाहर निकलूंगा, मैं अपनी फौज बनाऊंगा, क्या करूंगा पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहीं से प्रभु तुझे उठाकर खड़ा कर देंगे। एक पल नहीं लगता परमेश्वर को किसी को खड़ा करने में। रास्ता लंबा है लेकिन जब खड़ा करने की बात आती है ऐसे, सब कहें ऐसे, ऐसे, ऐसे। लेकिन उस समय क्या कहें, प्रभु हाय मैं मर गया, मेरे ख्वाब टूट गए, प्रभु जिंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, प्रभु जी जेल से छुटता। वो रो नहीं रहा था, वो जेल में भी वो कर रहा था जो उसे करना था, वो वफादार बना रहा। नीति वचन 18 का भी आप अपनी बाइबल में भी खोल सकते हो। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है, यानी कि संतुष्ट। पेट कैसे भरेगा, मुंह की बातों से। संतुष्ट कैसे होंगे, मुंह की बातों से। खून पसीना नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत फाइनल डिसीजन नहीं है। मेहनत करने वाले भी भूखे रह जाते हैं, मेहनत करने वाले भी कई बार संतुष्ट नहीं होते जिंदगी में। करोड़ों रुपया लोगों के पास है फिर भी आज खाली है। तो कैसे आप भरोगे, मुंह की बातों से। सब कहे मुंह की बातों से। यहां पे ये नहीं लिखा जाओ थोड़ा सिर ते जाके एक लीटर अनॉइंटिंग ऑयल लगा के आओ, ये लिखा यहां पर। चीजें हैं, तेल बाइबल में है, लेकिन हर चीज के लिए तेल नहीं है। तेल सिर पे लगाने से पेट नहीं भरेगा। आपने अनॉइंटिंग ऑयल उंडेल लिया एक लीटर बोतल और घर आके कह रहे हो हाय मेरा की बनना है, हाय मेरा की बनना है, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके पास कोई अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है, लेकिन आपके पास वचन है। क्या है आपके पास, और आप क्या कर रहे हो, वचन बोल रहे हो, और आप कह रहे हो प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मुझे बढ़ाएगा, प्रभु मुझे चलाएगा, प्रभु मुझे सिखाएगा, मेरा घर आशीषित होगा। फिर थोड़े दिन बाद एक कोई दो चिमटे लैके तुहाडे घर दे कोलों लंघदा होएगा, बीबी जी घर च किसी ने टूना किया आ, हाय उजड़ गए। नहीं नहीं नहीं, करन दो जिन्हें करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास वचन है। बाइबल में कहीं लिखा है टूने टोप टके वचन को रोक सकते हैं, कुछ रोक सकता वचन को? चार दिन के मरे को कब्र रोक पाई, यीशु मसीह को रोक पाई? क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा, और अब जो वचन ने अपने बारे में बोल दिया था वो पूरा होना ही था। उन्होंने कह दिया आकाश नया पृथ्वी बन के रहेगा, कर लो जो करना है। यीशु मसीह ने कह दिया मैं कौमों को अपने पास लाऊंगा, कर लो जितना विरोध करना है, परमेश्वर के काम को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बोल दिया है। क्या कह दिया है, जब बोल दिया ना शब्द परमेश्वर ने, उसकी खिलाफत मत करो। आप परमेश्वर से दुश्मनी मोल ले रहे हो। जब प्रभु ने कुछ कह दिया है दैट्स इट, मैं नहीं बदल सकता उसको। मुझे रोक लो, रोक लोगे तो रोक सको तो रोक लो, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन वचन नहीं रुकेगा। आत्मा, पवित्र आत्मा को कोई जंजीरों में रख सकता है?
एक को जंजीरों में बांधोगे वो दूसरे के ऊपर उतर आएगा, दूसरे को बांधोगे तीसरे के ऊपर उतर आएगा, तीसरे को भी बांधोगे गधे के ऊपर उतर आएगा, गधे को बांधोगे पत्थर के ऊपर उतर आएगा। यीशु मसीह के जब आ रहे थे ना, लोग चिल्ला रहे थे, उन्होंने कहा अगर ये चुप कर जाएंगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। पवित्र आत्मा को कोई बांध, वचन कोई बांध नहीं सकता। वो वचन इतना पावरफुल है जिसने दुनिया बना दी, अरे उसको कौन इंसान रोक सकता है। तो चौथा काम क्या करना है? वचन बोलना है। सब कहीं वचन बोलना है। तो कैसे पेट भरेगा? मुंह की बातों से। कैसे पेट भरेगा? यानी कि आप जब वचन बोलोगे, प्रार्थना में वचन बोलोगे, जिंदगी में वचन की घोषणा करोगे, वो आपकी जिंदगी में होगा। अपने बच्चों पर वचन बोलो, प्रभु धन्यवाद आप इनको आशीष दोगे, प्रभु धन्यवाद मेरे बच्चे आपको जान लेंगे, धन्यवाद मेरे बच्चे आपकी सेवा करेंगे, धन्यवाद। पता क्यों? बैकअप है आपके पास। क्या है? बैकअप। बैकअप क्या है? आप धर्मी हो। अगर धर्मी नहीं हो फिर बैकअप नहीं है। आप धर्मी हो, बैकअप मिल गया, अब बोलो वचन, अब काम होगा। आमेन। सब कहें वचन जानना है, वचन पर विश्वास करना है, वचन को मानना है, वचन को बोलना है। एक बार फिर से, वचन को जानना है, वचन पर विश्वास करना है, मानना है, बोलना है। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। अपने मुंह का फल खाओगे, बोलना शुरू करो। आप क्या देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में, बोलना शुरू कर दो। अगले 5 मिनट धन्यवाद 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 नहीं करना, वचन बोलना है। प्रभु धन्यवाद मुझे घटी नहीं होगी, धन्यवाद आप मुझे बढ़ाओगे, प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे एक बड़ा व्यापार बनना है, प्रभु आप मुझे बनाओगे, मुझे एक बड़ी नौकरी पानी है, प्रभु आप मुझे दिलाओगे, मुझे एक बड़ी सेवकाई करनी है आपकी महिमा के लिए, अपने लिए नहीं, प्रभु आप वो खड़ा करोगे। बोलना शुरू कर दो। आले धन्यवाद करे, बोले 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 क्या देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में। ओ राबा खाराबा साखारामा सियारावा, बोलो बोलो बोलो, शैतान भाग जाएगा, वचन सुन के वो भाग जाएगा, वचन सुन के वो हार जाएगा। वचन को सुनकर बंद दरवाजे खुल रहे हैं। और आ बाबा खारा मारा बा से पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, व्यापार आ जाए, नौकरियां आ जाए, चंगाई आ जाए। आई कॉल फॉर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ओ रामा खारामा से यारामा से, ओ रामा खारामा रामा से। कुछ हो रहा है इस जगह में, कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपके घर में आपके परिवार में कुछ हो रहा है। खुल जाए दरवाजे, खुल जाए फ्रेंसिस, खुल जाए। फ्री फ्री फ्री,
आपका चमत्कार आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है। भर जाए पवित्र आत्मा से, भर जाए, नया अभिषेक पाए। बाबा खारा मा से रे, आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। यीशु के मार खाने से चंगाई पाई, बंद दरवाजे खुल गए हैं यीशु मसीह के नाम से, फाइनेंसिस खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। कुछ लोग लोन में हेल्प चाहते हैं, आपके लिए डोर खुल रहे हैं। ओ राबा बका राबा से, वो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगो, मुंह के फल से भरेगा तू, मुंह के फल से, इसलिए कह रहा हूं मांग, बोल जो देखना चाहता है, प्रोफेसी करो अपनी जिंदगी के ऊपर। मैं चाहता हूं इस समय जितने लोग बीमारी में हैं, बीमारी में थे, मैं बिलीव करता हूं अपने शरीर को चेक करें, क्या कोई है जो कहना चाहता है मुझे चंगाई महसूस हुआ? कोई है जो कहना चाहता है मुझे चंगाई महसूस हुआ? वचन खाली नहीं जाता। क्या कोई है? मैं हाथ देखना चाहता हूं। क्या कोई है? आपने अपने शरीर में एक फर्क अनुभव किया? बाद में मत आना, अभी कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं आगे नहीं बुला रहा क्योंकि टाइम नहीं है, समय बहुत हो गया। आपके पास क्या है? वचन है। आप बहुत ताकतवर इंसान हो। क्या हो? दुनिया के बड़े 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 से बड़े शासक से भी ज्यादा खतरनाक हो। आपको पता है फिरौन कितना खतरनाक था? लेकिन फिरौन के पास हथियार थे, फौज थी, सेना थी, सोना था, चांदी था, शौहरत थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? वचन। मूसा जब मिस्र में गया, उसके पास सोना नहीं था, चांदी नहीं था, सेना नहीं थी, हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास वचन था। वो वचन लेकर गया और वचन ने उसको कामयाब किया और फिरौन घुटनों पर आ गया। लेकिन जब वो बाहर निकला, सोना भी साथ लेके निकला, चांदी भी साथ लेके निकला, लोगों की साथ लेके निकला। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, रा बाबा का से।